क्या आप कराची जैसे इंतहाई मसरूफ और कारोबारी शहर के बीचों बीच एक बहुत ही अच्छी कमर्शियल प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं? अगर हाँ तो ये जानने के लिए मेरा शो देखिए, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के बटन को क्लिक कीजिए। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपकी होस्ट राहत इरम और आज हम बात करेंगे अपने शो में एक कमर्शियल प्रॉपर्टी के हवाले से। जी हाँ व्यूअर्स, कराची का प्रोजेक्ट है। जी हाँ व्यूअर्स, हर किसी की यही ख्वाहिश होती है कि वो कराची के अंदर एक बहुत अच्छे कमर्शियल प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्टमेंट करे और अपनी इन्वेस्टमेंट को कई गुना बढ़ा सके। व्यूअर्स, रेडबॉक्स के प्लेटफॉर्म से आप लोगों को रोज़ कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिलती रहती हैं। वो रेजिडेंशियल भी होती हैं, वो कमर्शियल भी होती हैं। कभी हम आप लोगों के लिए रेजिडेंशियल अपॉर्चुनिटी लेकर आते हैं, कभी हम कमर्शियल प्रॉपर्टी लेकर आ रहे होते हैं। हर तरह की अपॉर्चुनिटी व्यूअर्स आप लोगों को रेडबॉक्स के इस प्लेटफॉर्म से मिलती रहती हैं। आज हम बात करेंगे एक कमर्शियल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी के हवाले से। जी हाँ व्यूअर्स, और वो कमर्शियल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी आप लोगों को मिल रही है कराची जैसे शहर के अंदर। जी हाँ व्यूअर्स, कराची एक बहुत बड़ा शहर और रोशनियों का शहर माना जाता है, और आप खुद ही जानते हैं व्यूअर्स, आप सभी जानते हैं व्यूअर्स कि कराची एक इंतहाई मसरूफ़ शहर है, और कारोबार के हिसाब से अगर देखा जाए व्यूअर्स तो कराची के अंदर बे इंतहा कारोबार के मौके आप लोगों को मिलते रहते हैं। व्यूअर्स, कराची के अंदर अगर बात की जाए तो एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च किया गया है। इसमें आपको जो है वो इस वीडियो में आज आपको उस प्रोजेक्ट के हवाले से कंप्लीट डिटेल्स दी जाएंगी। व्यूवर्स, प्रोजेक्ट का नाम है ओमेगा मॉल। जी हाँ व्यूवर्स, ओमेगा मॉल प्रोजेक्ट का नाम है, और ये प्रोजेक्ट मिल रहा है आप लोगों को इस कराची शहर की इंतहाई प्राइम लोकेशन के अंदर। जी हाँ व्यूवर्स, लोकेशन के हवाले से आप लोगों को गाइड करते चलें कि नॉर्थ कराची। जी हाँ व्यूवर्स, आप सभी नॉर्थ कराची की लोकेशन से बखूबी वाकिफ होंगे। लोकेशन के हवाले से आपको मजीद बताते चलें व्यूवर्स कि नॉर्थ कराची में 2 मिनट चौरंगी के ऊपर और 300 फीट चौड़े रोड के बिल्कुल सामने, बिल्कुल मेन रोड के ऊपर ये प्रोजेक्ट लोकेटेड है। ओमेगा मॉल है इस प्रोजेक्ट का नाम, और ग्राउंड प्लस 4 का प्रोजेक्ट है जिसमें बेसमेंट के ऊपर जो है वो कार पार्किंग की सहूलत भी मौजूद है। जी हाँ व्यूवर्स, ये एक बहुत बड़ी फैसिलिटीज़ है जो कि उमूमन जो है वो मॉल्स के अंदर मौजूद नहीं होती, और लोगों को जो लोग वहाँ पर शॉपिंग के लिए जा रहे होते हैं, ग्रोसरी के लिए जा रहे होते हैं, उन्हें जो है वो सबसे बड़ा मसला कार पार्किंग का होता है। लेकिन व्यूवर्स, इस मॉल के अंदर आपको ये सहूलत 100% अवेलेबल है। यहाँ पर बेसमेंट के अंदर जो है वो कार पार्किंग की सहूलत मौजूद है, और न सिर्फ कार पार्किंग की सहूलत मौजूद है बल्कि इस यहाँ की कार पार्किंग के अंदर जो है वो बैक वक्त यानी एक वक्त में एट अ टाइम आप 600 कार जो है वो 600 कारों की पार्किंग की गुंजाइश मौजूद है। जी व्यूअर्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ओमेगा मॉल एक ग्राउंड प्लस 4 का प्रोजेक्ट है जहां पर बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स भी मौजूद हैं, और यहां पर आपको दिया जा रहा है व्यूअर्स ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर के ऊपर डिफरेंट स्क्वायर फीट की शॉप्स अवेलेबल हैं। जी हाँ व्यूअर्स, रेट्स के हवाले से हम आगे बात करेंगे। पोजीशन के हवाले से अगर बात की जाए व्यूवर्स, तो यहाँ का पोजीशन टाइम पीरियड जो आपको दिया जा रहा है वो है 3 साल का। जी हाँ व्यूवर्स, यहाँ पर अनाउंसमेंट कर दी गई है कि 3 साल के अंदर अंदर आपको यहाँ का पोजीशन हैंडओवर कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं पेमेंट प्लान के हवाले से व्यूवर्स। यहाँ का पेमेंट प्लान, इस प्रोजेक्ट का पेमेंट प्लान जो है वो 3 साल के इंस्टॉलमेंट प्लान के ऊपर डिज़ाइन किया गया है। जी हाँ व्यूवर्स, आप फर्स्ट फ्लोर के ऊपर अपनी शॉप बुक करवाना चाहते हैं, सेकेंड फ्लोर के ऊपर अपनी शॉप बुक करवाना चाहते हैं, जिस भी फ्लोर के ऊपर जितनी भी स्क्वायर फीट की शॉप आप बुक करवाते हैं उस हिसाब से जो है वो आपकी शॉप की प्राइस, आपकी शॉप की कॉस्ट होगी। तो व्यूवर्स, इसके हवाले से मजीद कोई डिटेल्स आप लेना चाहें पेमेंट प्लान के हवाले से, लोकेशन के हवाले से, ओमेगा मॉल इस कमर्शियल प्रोजेक्ट के हवाले से आप कोई भी डिटेल लेना चाहते हैं, स्क्रीन पर आपको मेरा नंबर शो हो रहा होगा, आप मुझे कॉल करके इसके मुतालिक तमाम तर डिटेल्स जो हैं वो ले सकते हैं। तो व्यूवर्स, इस प्रोजेक्ट के ऊपर मजीद डिटेल वीडियोज़ आपको रेड बॉक्स के प्लेटफॉर्म से मिलती रहेंगी, और तब तक के लिए अपनी होस्ट राहत इरम को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।